बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो मिक्सचर है। लास्ट टाइम हमने कंपाउंड पढ़ा था, आज हम मिक्सचर पढ़ने जा रहे हैं। जब भी कोई से दो एलिमेंट्स ठीक है आपस में मिक्स किए जाए लेकिन कोई फिक्स रेशो ना हो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। दोबारा सुन लें, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो। इसका मतलब यह है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, कोई एक चीज़ कम हो जाए, लेकिन हम उनको मिक्स कर दें, डैट विल बी मेकिंग अ मिक्सचर। और मिक्सचर में याद रखें, जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड आपने मिक्स किए हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ रहती है, नई प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। कंपाउंड में हमने ये पढ़ा था ना कि जब हम कंपाउंड बना लेते हैं तो दोनों एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है और नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में आपके पास बेटा याद रखें कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ मिक्स उसी की रहेंगी जो एलिमेंट्स आपने मिक्स किए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ऑन मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। और इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, आसान तरीके भी हैं, फिजिकल मेथड केमिकल मेथड से भी हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। उनमें काफ़ी सारे हैं, वन इज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए आप मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। मिक्सचर बेटा आपके पास होते हैं दो टाइप्स के। ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। जैसे हवा है आपकी, हवा में अगर आप देखें तो एक प्रॉपर किस्म की जो है वो कंपोजिशन रहती है, कभी चेंज नहीं होती, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है और अदर गैसेस आपके पास 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन आ जाती है। तो ये नॉर्मल इसी के आसपास रहती है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसी तरह आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम में भी अगर जो जो चीज़ें हम डालते हैं उतनी ही डालेंगे तो आइसक्रीम आपकी सही रहेगी। अगर आप कोई एक चीज़ ज़्यादा कर दें, आप चीनी ज़्यादा कर दें दूध कम रख लें, दूध ज़्यादा कर दें चीनी कम रख लें, तो दोनों तरीक़ों से आपको बिल्कुल अलग प्रोडक्ट मिलेगी। इसलिए जब भी आप मिक्सचर्स की बात करें तो अगर तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो इट विल बी कॉल्ड एज होमोजीनस मिक्सचर। इसी तरह अगर कोई भी ऐसे दो मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, मतलब उनके अंदर फ़र्क हो, कभी ज़्यादा हो जाए कोई चीज़, कभी कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हेटरोजीनस मिक्सचर। ये आपके पास इसकी एग्जांपल है सॉयल, रॉक एंड वुड। अगर उसमें आप देखें तो हर सॉयल किसी ना जगह पे किसी तरह की होती है, किसी और जगह पे किसी तरह की होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो इसका मतलब है सॉयल इज़ अ हेटरोजीनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि सॉयल के अंदर किसी जगह पर मिट्टी ज़्यादा है, किसी जगह पर रेत ज़्यादा है, किसी जगह पे सॉल्ट एंड वाटर ज़्यादा है, ये ठीक है। इसी तरह हम इसको कहते हैं कि इसलिए ये कभी हेटरोजीनस ही रहते, होमोजीनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये नीचे एक रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, अब आपको पेज नंबर 9 पे, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। अब मैंने दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि एयर जो है वो होमोजीनस मिक्सचर है। ये जो उसने गैसेज के नाम लिखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिक्स क्वांटिटी में रहती है, बहुत कम इनके अंदर चेंज आता है, बिल्कुल अगर आ भी जाए तो माइन्यूट फॉर्म में चेंज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन सॉयल के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत चेंज आता है। अगर आप सहराई साइड पर चले जाएँ तो वहाँ पर सॉयल में ज़्यादातर रेत होती है। अगर आप इधर ज़मीनी इलाकों में फिरें, लाहौर, फैसलाबाद की तरफ, तो यहाँ पर आपको सॉयल में क्ले मिलती है, ज़्यादा मिट्टी मिलती है, सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप सेमोथोर वाली साइड पे चले जाएँ तो वहाँ मिट्टी और रेत कम होती है, ठीक है, सॉल्ट्स ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से वो सेमोथोर वाली जगह है। इसी तरह मिल्क जो है, मिल्क होमोजीनस मिक्सचर नहीं कहलाएगा, हेटरोजीनस कहलाएगा, अगर देखा जाए जो मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं। अगर नेचुरली मिल्क की बात करें तो डैट इज़ होमोजीनस मिक्सचर, उसके अंदर हर चीज़ एक प्रॉपर क्वान्टिटी में होगी, ना उसके अंदर ज़्यादा कम होगा बिल्कुल। लेकिन जो दूध हम आजकल इस्तेमाल करते हैं डब्बों वाला, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है। आज का जो आपका बेटा होमवर्क है वो आया है डिफाइन मिक्सचर, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेटरोजीनस मिक्सचर,
और उसके बाद ये जो रेड वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है पेज 9 पे, ये आपने याद करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम कंपाउंड एंड मिक्सचर के डिफरेंस पढ़ेंगे।